This video is sponsored by JLCPCB.com. So JLCPCB is the world largest manufacturer of PCBs in China. So if you want to make high quality professional PCBs from China, visit JLCPCB.com. Link in the description. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सईद मजगलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी आ चुकी है पीसीबीयां। अब बहुत से लोग समझ रहे हैं कि माज भाई ये किस चीज की पीसीबी है। भाई आपको पता, हमने पिछली गर्मियों में बनाया था एक 8000 वाट का इन्वर्टर और बहुत ज्यादा लोगों ने उसको वो सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको लाइक किया वीडियो को और बहुत ज्यादा लोगों ने जो है उस चीज को मांगा कि माज भाई इसके ऊपर नया वर्जन भी लेके आए। तो आज मैं लेके आया हूँ 8000 वाट के ऊपर एक और नया वर्जन, जो कि 8000 वाट की पीसीबी 2.0 है। इसके अंदर कोई नई चेंजेस की है, नई फंक्शन किए हैं, कुछ जो पिछली कॉम्प्लिकेशन थी वो क्लियर की है। तो आज हम इसके मुकम्मल जो है बनाने का तरीका सीखेंगे, इसको बनाने के लिए किस सामान की जरूरत है और इसको किस तरह बनाना है। और आज की वीडियो स्पॉन्सर की है जी JLCPCB ने। JLCPCB ने भेजी हमें हाई क्वालिटी पीसीबीज फ्रॉम चाइना। तो आज हम मुकम्मल जो है बनाने वाले हैं इन्वर्टर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुकम्मल इन्वर्टर रेडी हो चुका है। और इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत है सब बताऊंगा। बड़ा हाई क्वालिटी हीट सिंक है, कॉयल शॉयल लगी हुई है, IGBTs वगैरह लगी हुई है, सब चीजें लगी हुई है। तो मुकम्मल प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर बैटरी की जरूरत नहीं है, इसको बगैर बैटरी के चला सकते हैं। इस पीसीबी के अंदर नया वर्जन ये किया गया है, इसके अंदर सीटी का ऐड किया गया है, ट्रांसफार्मर का एडिशन की गई है, इसके अंदर अच्छा मॉड्यूल लगाया गया है और उसके बाद डबल सोलर का ऑप्शन भी रखा गया है, ताकि आपके पास अगर दो स्ट्रिंगे हैं सोलर पैनल की आप दोनों लगा सकते हैं यहाँ पर, सोलर वन सोलर टू। तो हर किस्म की इसकी जो है मुकम्मल बनाने का तरीका इस वीडियो में बताया है कि किस तरह इसको बनाना है। आज की वीडियो में सिर्फ इसको मुकम्मल असेंबल करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसकी मुकम्मल प्योर टेस्टिंग होगी 8000 वाट के लोड के ऊपर या मुख्तलिफ किस्म का लोड चला के इसको चेक करेंगे। तो आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है इस पीसीबी के ऊपर, मुकम्मल पीसीबी को डिजाइन करने में, मुकम्मल पीसीबी को बनाने में। तो अगर आप में से किसी को ये पीसीबी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया है, वहां से रब्ता कर लेना। कल लिमिटेड स्टॉक है, 20-25-30 पीसीबियां पड़ी हैं और बाकी सारी सेल हो चुकी हैं। तो जिस चीज को चाहिए वो रब्ता कर ले और उसके बाद मुकम्मल वीडियो देखिएगा किस तरह मैंने इसको बनाया। तो टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप इस तरह की हाई क्वालिटी पीसीबी खुद बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में JLCPCB का लिंक दिया हुआ, वहां से जाए इसको बनवा ले। तो टाइम को ज्यादा जाया नहीं करूंगा, शुरू करते अपनी वीडियो। So first of all guys, I will show you how to order your PCB from JLCPCB.com. Here is JLCPCB website and you can find different type of services from their website like PCB assembly, 3D printing and STM stencil. First of all, click on a Quito now button for instant $2 PCBs and you can add your Gerber file from this website. And after you add Gerber file, you can select your parameters according to your need, like PCB quantity and PCB color that you want to like, and you can order it by clicking in a submit order and submit save to cart button. And after save to cart, you can view cart and add your description and you can pay the amount of PCB via any card. तो चलिए जी दोस्तों, ये आ चुका है पार्सल हमारा JLCPCB से। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स और निकालते हैं अपनी पीसीबीज को, आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, टॉप क्वालिटी की पीसीबीज आ चुकी हैं और मजबूती दे सकते हैं, मुकम्मल फाइबर की बनी हुई है। जिस तरह मर्जी इसको मोड़ो तोड़ो भाई, ये टूटने नहीं वाली, सबसे हार्ड जो है पीसीबी है ये और बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट है। और JLCPCB वाकई हाई क्वालिटी पीसीबीज बनाती है। अब हम पीसीबी को पीसीबी होल्डर में लगा देते हैं और कंपोनेंट्स की जरूरत है, जिसके अंदर हम सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं 100 NF 650 वोल्ट के कैपेसिटर, दो हम ये इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इसको अपनी पीसीबी पे अटैच कर सकें। और उसके बाद हमने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं मेटल टर्मिनल, जो कि UPS या कंट्रोलर वगैरह में लगे होते हैं, ताकि हम इसके साथ अटैच करें। और यहाँ पर सोलर वन सोलर टू, ग्राउंड AC आउट पे जो हमने यूज़ करने हैं। और उसके बाद कुछ फ्यूज़ बॉक्सेज हैं ताकि प्रोटेक्शन के लिए हमने इसके अटैच करने हैं, ताकि वोल्टेज वगैरह यहाँ से आराम से गुजर जाएँ। और फ्यूज़ बॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ज़रूरत है हमें थोड़े 6-8 एम्पीयर के ब्रिज रेक्टिफायर या रेक्टिफायर टाइप ट्रांसिस्टर की, ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले ओवर, ये रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन मिले हमारे बोर्ड के लिए। और उसके बाद हमें प्योर साइन वेव बनाने के लिए EG8010 मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्योर साइन वेव मॉड्यूल है, ये भी मार्केट्स के आपको आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद हम इस्तेमाल करने वाले हैं जी 2 पिन के टर्मिनल ब्लॉक, तो ये हमने इस्तेमाल करने हैं इसके अंदर।
और उसके बाद हमने मुख्तलिफ और छोटे मोटे कंपोनेंट्स भी इस्तेमाल करने हैं, जिसके अंदर हमारे पास है ये 10K की वेरिएबल रेजिस्टेंस, दो ये इस्तेमाल करने हैं वोल्टेज वगैरह की रेंज बढ़ाने के लिए या एम्पेयर वगैरह की रेंज को एडजस्ट करने के लिए, ये हमें दो वेरिएबल इस्तेमाल करनी है। साथ में एक 78L05 ट्रांसिस्टर इस्तेमाल करना ताकि हम जो है अपने 5 वोल्ट के ऊपर अपने ईजी मॉड्यूल को ड्राइव दे सकें और छोटे मोटे कंपोनेंट्स को भी। और उसके बाद कुछ कैपेसिटर हैं 220 UF 16 वोल्ट के अंदर, ये इस्तेमाल करने हैं ताकि हम इसके साथ अटैच करके इसको यूज़ कर सकें। और उसके बाद बकाया छोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं जो पीसीबी बने हुए हैं, जिस तरह के छोटी रेजिस्टेंस होगी, ट्रांसिस्टर हो गए और दूसरे कैपेसिटर हो गए, तो जितने कंपोनेंट्स छोटे मोटे हैं वो सारा पीसीबी के ऊपर लिखा हुआ है। अगर कोई पीसीबी लेता है तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, वो खुद देख कर भी कंपोनेंट्स को अटैच कर सकता है। साथ में इसके साथ बड़े छोटे मोटे कैपेसिटर जो है वो भी इसके साथ अटैच कर देने ताकि हमारी पीसीबी तकरीबन मुकम्मल हो जाए। और साथ में मैं इसके साथ एक इंडक्टर कॉयल इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि 1 mH की है, ये आउटपुट कॉयल के लिए इस्तेमाल होगी और इस पर वोल्टेज मेजर होंगे। और उसके बाद हमने जो है बकाया सारे कंपोनेंट्स को अटैच कर लेना है, लेकिन बकाया जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें रेजिस्टेंस हैं, कैपेसिटर वगैरह, वो सारे इसके साथ अटैच कर देने हैं। और साथ में ये कॉयल भी हमने अटैच कर देनी है। उसके बाद हमने बड़ा कैपेसिटर अटैच कर देना है और कैपेसिटर अटैच करने के बाद छोटे मोटे कंपोनेंट्स जो हैं जिसमें रेजिस्टेंस हैं वो अटैच कर देनी है। साथ में हम 4 IC इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे IGBTs को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होंगे, तो ये 4 ये वाले IC भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी इसके साथ अटैच कर देते हैं हम। और बकाया जितने कंपोनेंट्स हैं वो भी मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। तो IC अटैच करने के बाद हमने अटैच करने हैं जी कैपेसिटर्स वगैरह, तो कैपेसिटर भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से कैपेसिटर मैं इसके अंदर अटैच करने वाला हूँ। जो छोटे कैपेसिटर हैं वो सारे के सारे 100 UF के अंदर हैं, 100 UF के अंदर सारे कैपेसिटर हम अटैच कर देंगे और जितने डायोड्स वगैरह वो सारे अटैच कर देंगे इसके साथ। और उसके बाद हमने कुछ कैपेसिटर इस्तेमाल करने जो कि इनपुट पे लगाते नहीं हैं, और ये 330 UF 400 वोल्ट के कुछ कैपेसिटर हैं वो हमने इसके साथ अटैच कर देने हैं। और साथ में इसके साथ बकाया जितने कंपोनेंट्स हो वो भी अटैच कर देना, तो दो कैपेसिटर बड़े मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ और अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर और अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स हमेशा आपने इस्तेमाल करने हैं। और उसके बाद हमने हीट सिंक का इस्तेमाल करना जो कि हैवी ड्यूटी बड़ा हीट सिंक है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वरना अगर आपके पास अच्छा हीट सिंक नहीं होगा तो जितने भी आपके IGBTs वगैरह लगे होंगे वो सारे ओवर हीट हो जाएंगे और ओवर हीट होने के बाद ख़राब भी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए इसको एक तो खुली जगह में मुकम्मल को इन्वर्टर को लगाना है और साथ में अच्छी क्वालिटी का हीट सिंक और अच्छी क्वालिटी के इंसुलेशन पैड वगैरह इस्तेमाल करने हैं। तो मैं इसके साथ इंसुलेशन वगैरह लगा के इसको मैं मुकम्मल असेंबल कर दूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के हमारे IGBTs इसके अंदर लगते हैं। साथ में इसके साथ थर्मल पेस्ट वगैरह इस्तेमाल करूंगा ताकि अच्छी तरह हीट जो है ट्रांसफ़र हो इसके अंदर से, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब मैं इसके साथ मुकम्मल हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए इसके साथ मुकम्मल थंबल वगैरह लगा के इसके साथ जो है नटशट लगा के अच्छी तरह इसको टाइट कर दूंगा। और उसके बाद बारी आ चुकी है कॉयल बनाने के लिए, तो बड़ी कॉयल बनानी है जो कि हमने इसके लिए इस्तेमाल करनी है। 18 नंबर तार और 45 mm की कोर है और 18 नंबर तार को हमने 120 टर्न देने हैं, तो 120 टर्न जितने जो है कोर के ऊपर हमने वाइंड कर देनी तार 18 नंबर की। और उसके बाद इसको हमने अपने पीसीबी के ऊपर लगा देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कॉयल तकरीबन रेडी हो चुकी है, अब हम इसको पीसीबी के ऊपर लगा देंगे और मुकम्मल हमारी पीसीबी फिर हो जाएगी टेस्ट। और टेस्ट जो है हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे, अभी हमने मुकम्मल असेंबल कर ली है। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मुकम्मल टाइम इन्वर्टर को जो है असेंबल कर लिया। इन्वर्टर को असेंबल करने के बाद आपको मैं इसके कुछ चीज़ें के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सारा हीट सिंक मैंने इसके ऊपर लगा दिया, साथ में इसके साथ LCD मॉड्यूल लगा दिया ताकि हम इस LCD मॉड्यूल के जरिए देख सकें वोल्ट वगैरह। साथ में EG मॉड्यूल लगा दिया, प्योर साइन वेव का हाई क्वालिटी बड़ी कॉयल लगा दी। बहुत से लोग कहते हैं माज भाई कॉयल ही नहीं मिलती, भाई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आम मिलती है इंडक्टर कोर, उसके ऊपर कॉयल को आराम से वाउंड कर लो। और उसके बाद यहाँ पर मोटर टर्मिनल इस बार लगा दिए गए हैं ताकि आप आउटपुट पर मोटर टर्मिनल पर आप लोड उठा सकें। यहाँ पर 12 वोल्ट
और ऑन ऑफ करने के लिए स्पेशल डेडिकेटेड दो जैक लगाए गए हैं और स्पेशल सोलर अटैच करने के लिए सोलर वन सोलर टू की दो स्ट्रिंगें हैं आपके पास, उनको अटैच करने के लिए आप यहाँ पर दो लगा सकते हो ग्राउंड के एक वायर बोर्ड। और बड़े कैपेसिटर लगाए गए हैं, स्पेशल ब्रिज लगाया गया ताकि उल्टी तारे ना लग सकें। इसके अंदर सबसे अच्छा ये फायदा, इसके अंदर एक सी प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर खुदा खास्ता आपकी उल्टी तारे लग जाती है तो किट सड़ने वाली नहीं है, उल्टी तारा से भी ये किट आपको बचाएगी। और रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के साथ ये किट है और साथ में आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का मॉड्यूल के साथ मुकम्मल रेडी हुई है, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोफेशनल पीसीबी लग रही है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको दिखाना था असेंबल करके आखिरी 8000 वाट को किस तरह असेंबल किया जाता है, हीट सिंक वगैरह सब कुछ लगा के इसको असेंबल कर लिया है। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की हाई क्वालिटी पीसीबीज बनवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जेएलसी पीसीबी का लिंक है, वहाँ से इसको बनवा सकते हैं। अगर आपको बनी बनाई चाहिए तो हमारे पास भी कुछ पड़ी हैं तो वो बाय कर ले जल्द से जल्द। तो अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते दोस्तों, इस तरह ही और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा जेएलसी पीसीबी के ऊपर और अपने इस तरह के इन्वर्टर्स के ऊपर। इसके ऊपर अभी टेस्टिंग की वीडियो नहीं थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, मैं नहीं चाहता लंबी हो जाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो लेके आने वाले जिसके अंदर मुकम्मल इसको टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट में बताना कि मास भाई जल्दी वीडियो लेके आओ, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द वीडियो ले आऊँगा। तो मुकम्मल ही हाई क्वालिटी टाइप से मुकम्मल पीसीबी रेडी हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पीसीबी ये इन्वर्टर अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मैं इंशाल्लाह नई वीडियो लेके आने वाला हूं। और जाते जाते जेएलसी पीसीबी को विजिट कर लीजिएगा ताकि आप वहाँ से अच्छी अच्छी जो है पीसीबी बनवा सके। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।